हाय विनर्स, आई होप यू ऑल आर वेल दिस साइड राजीव आनंद वेलकम टू क्रिप्टो मार्ग यूट्यूब चैनल क्रिप्टो का रास्ता विनर्स आज के क्रिप्टो अपडेट्स के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं पर आप लोगों को लास्ट ट्वेंटी फोर आवर के अंदर आपको क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक थोड़ा बहुत ही सही लेकिन बुलिश सेंटिमेंट दिखाई दे रहा होगा बिकॉज ऑफ लेयर वन प्रोजेक्ट्स बिटकॉइन एंड इथेरियम एज वेल एज इफ एम टॉकिंग अबाउट बी बीएनबी भी लास्ट 24 फोर आवर में अप्रॉक्स 2 परसेंट की बुलिश रिकवरी के साथ इथेरियम 1.61 परसेंट बिटकॉइन में अप्रोक्स 2 परसेंट की रिकवरी लास्ट 24 फोर आवर में देखी गई है एक जो कल न्यूज इवनिंग तक मार्केट में चल रही थी कहीं ना कहीं पर ये मिसकंसेप्शन थी कि क्वाइन बेस जो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज वो इंडियन यूजर के लिए एक अल्टीमेट डेट दे चुकी है 25 सितंबर की और 25 सितंबर तक अगर आप इंडियन यूजर हो तो आप अपना फंड क्वाइन से निकालो क्योंकि पच्चीस सितंबर के बाद क्वाइन जो है वो इंडियन कम्युनिटी के लिए ट्रेडिंग जो है वो कंप्लीट बैन कर देगी लेकिन वो न्यूज रात होते होते सात आठ बजे शाम के बाद वो न्यूज बिल्कुल नेगेटिव निकली क्वाइन बेस के जो सीईओ है उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग इंडिया के अंदर जो इसको बैन करने वाले हैं इवन वी आर टॉकिंग अबाउट कि अब हम लोग इंडिया में कैसे रेगुलटरी बना सकें कैसे हम लोग पीटूपी ला सकें और कैसे हम लोग और ज्यादा सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ इंडिया कम्युनिटी के साथ ग्रो भी कर सके तो कहने की पर वो एक बुलिश सेंटिमेंट था इसके अलावा आज अगर आप देखें तो कहने की पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन ईटीएफ को लेकर पॉजिटिव न्यूज है और इस टाइम पर एक बहुत बड़ी पंपिंग और डंपिंग जो की जा रही है वो बड़े वेल इन्वेस्टर्स की थ्रू भी की जा रही है बिकॉज जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं दे एक्चुअली वांट कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन हो ताकि आने वाले टाइम में जब बिटकॉइन का ईटीएफ आए तो उसको एक प्रॉपर एक्सचेंज ट्रेडिट फंड बनाकर एक प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ हम लोग मार्केट में लेकर आ सके तो अभी ये पंपिंग डंपिंग और चल सकती है और जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया तेरह सितंबर अभी कल का दिन और है तो हो सकता है हम लोगों को कल दिन कल के दिन में और भी बिटकॉइन और इथेरियम में थोड़ा बहुत सही लेके डंप दिखाई दे आज जिस हिसाब आप से आपको पंप दिखाई दे रहा है इस हिसाब से कल आपको थोड़ा सा मार्केट में डंप भी दिखाई दे सकता है इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने जो जेन क्रिप्टो को लेकर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हैं देखिए जेनडोट नेटवर्क पर आपको एटलीस्ट ये कंफर्म हो जाता है कि इस टाइम पर कितने नंबर ऑफ ब्लॉकचेन के अंदर जेन के मिंटिंग चल रही है इसके अलावा जेन टर्बो में हम लोगों को प्रॉपर जितना अभी तक गैस बर्न हुआ है उसके बारे में पूरी बर्निंग रेशो कंफर्म हो जाती है जैसे रिसेंटली हम बात करें तो 24.47 परसेंट बर्निंग रेशो इस टाइम पर जेन के निकल कर आ रही है बाकी जो टॉप मोस्ट चार प्रोजेक्ट हैं जैसे डीबीएक्स एक्सीएन और फेनिक्स इन प्रोजेक्ट्स ने कितना मिंट हुआ है और मिंट करने के लिए कितना जेन को बर्न किया है तो ओवरऑल उसका पूरा डेटा निकलकर 24.47 की रेशियो निकल कर आती है रिसेंटली हम लोग अगर जेन डॉट नेटवर्क को विजिट करते हैं तो यहां पर हम जो वेट कर रहे हैं वो एक्स वन चेन जो है जेन की मेन ऑफिशियल चेन उसकी बात कर रहे हैं जिसकी ऑफिशियल डेट जो है वो ट्वेंटी की है लेकिन जिस हिसाब से अपडेट है हो सकता है ट्वेंटी के एंड तक इस साल के एंड तक एक्स वन हमें मार्केट में प्रॉपर दिखाई दे एज अ मेन नेट लेकिन ओवरऑल अगर मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात करूँ तो वो है ट्वेंटी ट्वेंटी में. अब वहां पर देखिए जब एक प्रॉपर गैस एज अ टोकन जेन बर्न होगा जैसे रिसेंटली हम लोगों ने डीबीएक्सन में एक अपडेट देखा है जो आने वाले कुछ ही दिनों में सत्रह या अठारह तारीख और उसके बाद तेईस तारीख को डीबीएक्सन एन एफ लॉन्च कर रहा है तो कहीं ना कहीं पर जेन के बर्न होने के ज्यादा से ज्यादा चांस बन जाते हैं तो जेन कहीं ना कहीं पर एक लेयर वन का एक सस्टेनेबल ग्रोथ का प्रोजेक्ट रेडी कर रहा है जिन लोगों को अभी तक जैन के अंदर काफी बड़ा लॉस उठाना पड़ रहा है मैं उन लोगों को बोलूंगा कि एटलीस्ट यू हैव वेट फॉर नेक्स्ट बुल रन अगर आपको जेन में डेफिनेटली एक अच्छा पैसा बनाना है एक अच्छा मार्केट बनाना है जैन का तो आप लोगों को नेक्स्ट बुल रन का डेफिनेटली वेट करना होगा क्योंकि नेक्स्ट बुल रन तक जैन अपने इकोसिस्टम के अंदर और बहुत बड़ी यूटिलिटीज बहुत बड़ा पोटेंशियल एड करने जा रहा है ऑलरेडी जेन डॉज के साथ Zen game की अनाउंसमेंट हो चुकी है और इधर से जेन इको सिस्टम का जो सेकंड प्रोजेक्ट है डीबी वो अपनी NFTs को लॉन्च करने जा रहा है तो हमें जेन के अंदर एक सस्टेनेबल ग्रोथ डेफिनेटली दिखाई देने वाली है लेकिन अब क्रिप्टो मार्केट में लोगों का सबसे बड़ा जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट बुल रन के लिए हम लोगों को किस टाइप के प्रोजेक्ट्स को बाय करना चाहिए तो देखिए दोस्तों क्रिप्टो मार्केट के अंदर तीन जो सबसे बड़े पॉइंट हैं वो इस टाइम पर चल रहे हैं लेयर वन प्रोजेक्ट्स लेयर टू प्रोजेक्ट्स और इसके अलावा मीम क्रिप्टो करेंसी कल्चर जो इस टाइम पर मीम कल्चर से निकलकर मूवमेंट कल्चर में जा रहे हैं जैसे हम लोग रिसेंटली बात करें शिबाइनू डोज डोजकॉइन फ्लोकिनो ये तीन मोस्ट सस्टेनेबल ग्रोथ वाले प्रोजेक्ट आगे नेक्स्ट बोल रन के लिए बताए जा रहे हैं ऐसे ही अगर हम लोग शिबाइनू इको की बात करें तो शिबाइनू भी अपनी ब्लॉक लेकर आ चुका है शिबेरियम नेटवर्क जिसका गैस टोकन टोकन है बोन आप इसको गवर्नेंस टोकन भी समझ सकते हैं तो कहीं ना कहीं पर एक टोकन जब अपनी ब्लॉक लेकर आता है और एस ए गैस भी टोकन बर्न होना शुरू होता है तो उस टोकन की एक सस्टेनेबल ग्रोथ मानी जाती है अगर हम लोग लेयर लेन की बात करें तो लेयर वन जैसे स्टार्ट हुई थी बिटकॉइन से देन आया देन बीएनबी चेन आया आज भी अगर मैं लार्जेस्ट ब्लॉकचेन की बात करूं आज भी

एक सिंपल सा डिफरेंस है हमारे सामने कि जो लेयर वन के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका जो नेटिव प्रोजेक्ट है वो गैस भी पे करेंगे जैसे रिसेंटली अगर आप लोगों ने कल ट्विटर पर देखा हो तो ट्विटर पर कल एक बहुत बड़ी न्यूज बहुत बार चली है और आपको कई बार वो ट्रेंड में दिखी है कि कल कहीं पर नॉर्थ कोरिया साइड या साउथ कोरिया साइड से फाइव हंड्रेड इन की ट्रेड की गई है 500 बिटकॉइन को ट्रांसफर किया गया है जिसकी गैस फी जो है, 19 जो है वो सप्लाई से निकल चुके हैं मतलब बिटकॉइन एक प्रॉपर डिफिलेंशन टोकन बनता जा रहा है और ओवरऑल जिस हिसाब से तो उसकी बाइंग है ईटीएफ की डिमांड है तो जब तक फाइनल होगा तब तक बिटकॉइन के अंदर और ज्यादा हम लोग डिफिनेशनी देख पाएंगे तो ओवरऑल लेयर वन के प्रोजेक्ट्स को अगर आप समझे तो सस्ट टेनेबल ग्रोथ के लिए डेफिनेटली बिटकॉइन लेयर वन का टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट इथेरियम सेकंड टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट बनबी चेन टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जब आप इनकी ब्लॉकचेन को यूज करते हो तो एज अ गैस फी इन्हीं के टोकन को बर्न किया जाता है जैसे बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन हो रही है तो बिटकॉइन बर्न होगा इथेरियम में ट्रांजेक्शन हो रही है तो ईटीएच बर्न होता है अगर आप बी चेन पर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो अल्टीमेटली बीएनबी बर्न होता है लेकिन L2 के अंदर ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है नेटिव टोकन इज नॉट असेंशियल टू बर्न क्योंकि जितने भी L2 नेटिव टोकन है वो एज अ गवर्नमेंस पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं जैसे शिबेरियम का एग्जाम्पल है बोन अब ओवरऑल अब हमें यह देखना है कि इथेरियम पर देखिए आज की डेट में सोलाना भी है कार्डानो भी है एक्सआरपी भी है लेकिन जब भी आप लोग वॉलेट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपने अगर एक्सआरपी बाय करना है स्वैप करना है यूएसडीटी से एक्सआरपी लेना है तो अल्टीमेटली आप जो गैस भी बर्न करते हो वो गैस भी इथेरियम में होती है इट मीन कि अगर आप लोग लेयर टू पे प्रोजेक्ट ले रहे हो तो जो गैस भी हो रही है वो लेयर वन प्रोजेक्ट की हो रही है इस हिसाब से आने वाले बुलरन में आपको फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से लेयर वन बिटकॉइन इथेरियम बीएनबी और लेयर लेकानो लाइक कार्डानो लाइक सोलाना लाइक पोलिगोन मैटिक लाइक पोलका पोलकाडोट और पोलका पोलकाडोट तो आपको भी पता है रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज आई है मार्केट के अंदर से कि पोलका टू अपना ओ लेकर आ रहा है जिससे एक डैप के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो है वो हमें आने वाले टाइम में मिलेगा और एक और बहुत बड़ा यूजर फ्रेंडली ब्लॉकचेन आप समझिए उसके अनाउंसमेंट हो चुके हैं और वो है पोलका पॉइंट ओ की मतलब पोलकाडोट टू पॉइंट

फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ क्रिप्टो को फॉलो कर रहा है और कहीं ना कहीं पर आने वाले टाइम में एक प्रॉपर डेडिकेटेड लेयर वन जो प्रोजेक्ट है वो जेन है ऑलरेडी डेडिकेटेड है बिकॉज ऑफ जेन को हम जब बर्न कर रहे हैं तभी हम लोग जेन इको के बाकी प्रोजेक्ट्स को मिंट कर पा रहे हैं तो ओवरऑल आप देखिए कि एक ऐसा प्रॉपर प्रोजेक्ट एक ऐसा इको सिस्टम जहां पर स्टार्टिंग से उस पर्टिकुलर टोकन को बर्न किया जा रहा है यह कंप्लीट प्रूफ दे रहा है आपको एल का इसके अलावा

से बड़े जो आ, मतलब एक पॉइंट बन चुका है जो मोस्ट मतलब पोटेंशियल वाला पॉइंट है वो है फ्लोकिनू की सप्लाई, जो के कंपैरिजन डोज के बेबी डोज के या मार्स के कंपैरिजन में या किशोनू के कंपैरिजन में बहुत कम है और फ्लोकिनू ने अपनी सस्टेनेबल ग्रोथ टाइम टू टाइम दी भी है जब से फ्लोकीनू ने दो में अपना ऑफिशियल रोड मैप लाइव किया है और फ्लोकिन ने उस पूरे ऑफिशियल रोड मैप को ट्विटर पर डिस्कस किया है फ्लोकिन एक सस्टेनेबल ग्रोथ का प्रोजेक्ट बन चुका है तो हम लोग आने वाले रन में डेफिनेटली इसको भी दो से पांच सेंट मैंने एक वीडियो में बोला भी है जब मैंने लास्ट वीक फ्लोकिन पर डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी कि दो से पांच सेंट का हम लोग फ्लोकी को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब यहां पर जो सबसे बड़ा पॉइंट है जैसे मैंने देखा है मेरे बहुत सारे यूजर हैं जिन्होंने बेबी डोज कॉइन को बाय किया हुआ है और पिछले लगभग डेढ़ दो साल से बाय करके सिर्फ मैं गालियां ही खा रहा हूं उन लोगों से कि ये बढ़ नहीं रहा है आपने जो भी प्रोजेक्ट बताया वो मतलब डाउन आ रहा है दो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर हॉल्विंग का टाइम है 2024 के के बाद से तीन चार महीने स्पेशली दो हजार पच्चीस जहां इतना रख लिया। थोड़ा सा टाइम और बैठो इन्वेस्टमेंट मार्केट है ऑलरेडी बेबी बेबीडोज कॉइन जो है अब को में भी आ चुका है और अपने सस्टेनेबल ग्रोथ और इको सिस्टम के अंदर नए से नए पोटेंशियल एड कर रहा है yes, मैं जानता हूं कि बेबी बेबीडोज कॉइन के लिए जो सबसे बड़ी हर्डल है वो सप्लाई की है लेकिन आप यहां देखिए कि आज जिस हर्डल की हम लोग बात कर रहे हैं पैप कॉइन में क्या वो हर्डल नहीं थी क्या पैप कॉइन ने सिर्फ ट्रेडिंग मैनुपुलेशन से अपने आप को बाइनेंस नहीं बनाया एक ही दो महीने के अंदर तो बेबीडोज कॉइन पैप कॉइन के कंपेरिजन में तो यूज केस के बारे में बहुत ज्यादा अपडेटेड है यूज केस बेबीडोज कॉइन के सबसे ज्यादा है तो हमें सिर्फ एक क्लिक चाहिए बेबीडोज कॉइन के एक्सेप्टेंस ही है बेबीडोज कॉइन ऑलरेडी काफी सारे यूज केसेस पे काम कर रहा है जैसे अगर भी आज भी आप लोग अगर ट्विटर पर देखें तो बेबीडोज कॉइन के अंदर आपको यूज केसेस की हमेशा भरमार दिखती है बेबीडोज कॉइन की ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक करें तो यहां पर भी आपको बहुत सारे यूज केस दिखती है और रिसेंटली बेबीडोज कॉइन एआई हालांकि है ये सिर्फ एआई से इमेज क्रिएट करना बेबीडोज कॉइन एन एफ टी को मिंट करना लेकिन ओवरऑल क्रिप्टो के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नया यूज केस बेबीडोज के पोटेंशियल में एड हो चुका है सो so, ये भी प्रॉपर एक उम्मीद है मैं बहुत बड़ा तो नहीं बोलता लेकिन बुल के अंदर कॉइन भी हम लोगों को काफी अच्छा एक इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट दिखेगा और ऑलरेडी अगर हम लोग ब्लॉक चेन लीडर सिक्योरिटी बोर्ड की बात करें तो ब्लॉक चेन में या कॉइन के पोटेंशियल में जब भी कोई नया यूज के तो डेफिनेटली सर्टिक उसको ऑडिट करता है तो ओवरऑल आज आप ये देखिए बिकॉज ऑफ सप्लाई हर्डल हम डोज कॉइन को, को एक डाउनफॉल वाला प्रोजेक्ट नहीं समझ सकते क्योंकि इसी टाइप के प्रोजेक्ट्स के अंदर हम लोगों ने काफी बड़ी ग्रोथ देखी है चाहे आप एग्जांपल शिबाइनू को समझे तो ओवरऑल यूज केसेस की कोई कमी नहीं है कम्युनिटी की कोई कमी नहीं है देखिए अब यहां पर आपने ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे होंगे बेबडो अगर सच में बेबूजोज कॉइन में वो पोटेंशियल ना हो तो ये इतनी बड़ी कम्युनिटी बेबीडोज कॉइन की इनकी कैसे बन गई इंस्टाग्राम पे मोर देन दो लाख ढाई लाख से ज्यादा फॉलोअर्स आप ट्विटर पर देखिए बीस लाख मतलब टू मिलियन के आसपास बेबीडोज के फॉलोअर्स वन पॉइंट नाइन मिलियन हो चुके हैं फेसबुक पर कम्युनिटी देखिए टेलीग्राम पर सिक्सटी से ज्यादा लोग हैं जो एक्टिव है बेबीडोज कॉइन के और उसके बाद आप डिस्कोर्ट पर देखिए तो फिफ्टी से ज्यादा सो ओवरऑल बेबीडोज कॉइन ने ठीक है टाइम लग रहा है लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ बेबीडोज कॉइन कर रहा है और इसी का सबसे बड़ा रिजल्ट है कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट चार में एक एक्सचेंज में बिबुडोज कॉइन को लिस्टिंग मिल चुकी है वो है कु क्वाइन और यस बुल मार्केट तक एक बहुत बड़ा अंदेशा भी है कि बिबडोज क्वाइन को वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्सचेंज बाइनेंस में भी लिस्टिंग मिल सकती है जिसमें सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम का तो वो हम लोगों को डेफिनेटली आने वाले टाइम में दिखाई देगी तो मेरे हिसाब से पेशेंस रखना है फ्लोक इन बेबडोज कॉइन शि जैसे इन्वेस्टमेंट को मेरे हिसाब से आप खराब मत कीजिए बुडन का वेट कीजिए इन बिटवीन जब मार्केट का सिनेरियो अच्छा होगा जैसे हम लोग अक्टूबर मिड से और नवंबर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन बिटवीन जब मार्केट का सिनेरियो अच्छा होगा तो यही वो प्रोजेक्ट होंगे जिसके ऊपर हमें पछतावा होगा कि हम लोगों ने ऑलरेडी बाय करके रखे थे हम लोग उसको अल्टीमेटली सेल क्यू कर पाए सो ओवरऑल सेलिंग इज नॉट अ गुड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी बट यस कहा नहीं जा सकता कि कब कौन सी कम्युनिटी कैसा स्टेप लेती है जैसे अब ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है एफ टी के अंदर लोगों का स्कैम है और इस टाइम पर एफटीएक्स की न्यूज भी मार्केट में बहुत सारी चल रही है बिकॉज ऑफ जो एफ के पास टोटल एसेट्स है अगर वो एसेट्स को मूवमेंट में लाया जाता है सेलिंग किया जाता है तो मार्केट के अंदर और भी डम फॉल आने का पॉइंट बन सकता है तो यह खतरा जरूर बना हुआ एफटीएक्स की तरफ से लेकिन उसका अभी तक कोई रिजल्ट प्रॉपर नहीं निकल कर आया तो ओवरऑल आप ये देखिए कि मार्केट में मूवमेंट है और सभी जो है इस टाइम पर थोड़ी थोड़ी बाइंग में ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बिकॉज एवरीबडी नोज कि uh, जो ंग है 2024 की वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालने वाली है उससे मार्केट आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी लेकिन जो एक बड़ा इंपैक्ट है वो 24 के मिड से और 2025 में डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल पर दिखाई देना है तो मेरे हिसाब से अगर आप क्रिप्टो बिलीवर हैं क्रिप्टो लवर हैं तो ये कहीं ना कहीं पर स्मॉल बाइंग का टाइम है लेकिन जैसे मार्केट का अच्छा हो और आपको कहीं पर भी प्रॉफिट बुक करने का मौका मिले किसी भी प्रोजेक्ट में हमेशा बोलता हूं और आज भी बोलूंगा प्लीज बुक यूर प्रॉफिट आप अपने इन्वेस्टमेंट को अपने पास रखें लेकिन अपना प्रॉफिट टाइम टू टाइम बुक करते रहें बिकॉज यू नो well you all are in the highly volatile market so please if you want to invest if you want to trade in crypto please 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 do your own research first thank you so much for watching this video and please do subscribe crypto mark youtube channel for more updates thank you so much